नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, देश के सभी बड़े बैंक अपनी सेवा का विस्तार करने के लिए बैंक की मिनी शाखा के तौर पर ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए विज्ञापन जारी करते हैं, और इस विज्ञापन के जरिए जो है आप बैंक में जाकर सीएसपी यानी ग्राहक सेवा पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ग्राहक अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस सीएसपी खोलने के लिए यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, और इसके अलावा जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना भी आवश्यक है। और बैंक के द्वारा जो है आपको फिक्स सैलरी दी जाती है सीएसपी संचालक को, और इसके अतिरिक्त जो है प्रति बैंकिंग सेवा के आधार पर जो है कमीशन फिक्स किया गया होता है बैंक द्वारा। तो जो सीएसपी सेंटर के मालिक है वो प्रति जितने भी ग्राहक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो उस बैंकिंग सुविधा पर जो निर्धारित कमीशन की राशि होगी वो प्रति ग्राहक के हिसाब से बैंक द्वारा कमीशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फिक्स सैलरी और कमीशन की राशि कुल मिलाकर जो है महीने में 25,000 से 30,000 तक सीएसपी सेंटर खोलकर कमाया जा सकता है। और दोस्तों, इस सीएसपी सेंटर को खोलने के लिए बैंक के द्वारा जो भी विज्ञापन जारी किया जाता है तो उस विज्ञापन को आपको साथ लेकर जाकर बैंक से संपर्क कर सकते हैं सीएसपी सेंटर खोलने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है बैंक द्वारा अपने एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं, सीएसपी सेंटर प्रोवाइडर का काम उनको सौंपा जाता है, तो उन एजेंसियों से भी संपर्क करके आप सीएसपी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन कंपनियों में जो है फ्लैग ग्लोबल, CSP.com और ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया, संजीवनी आदि इस प्रकार की बड़ी कंपनियां हैं, और इनमें एजेंसियां हैं बैंक द्वारा नियुक्त की गई। इनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सीएसपी सेंटर खोलने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीएसपी सेंटर के लिए आप यदि करना चाहते हैं या फिर सीएसपी सेंटर के लिए बैंक में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आपको जो है कोई भी बिजनेस में संलग्न नहीं हो, यानी आप बेरोजगार होना आवश्यक है, क्योंकि सीएसपी सेंटर जो आप खोलेंगे उसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है इस सीएसपी सेंटर खोलने के आवेदन करने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है सीएसपी आउटलेट के लिए आपके पास 250 से 300 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए, और आउटलेट में आपके पास एक काउंटर होना चाहिए, और काउंटर के अतिरिक्त जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ब्रॉडबैंड होना चाहिए, तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक है, फास्ट रहे स्पीड उसका, और बिजली की बैकअप की व्यवस्था होना भी आवश्यक है सीएसपी आउटलेट में। तो इन सारी सुविधाओं यदि आपके पास है तो आप जो है सीएसपी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीएसपी सेंटर के लिए जो है इस
ऑक्सीजन सर्विस इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है डिजिटल इंडिया csp.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर भी आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीएसपी सेंटर खोलने के लिए। तो डिजिटल इंडिया सीएसपी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा, और गूगल वेब ब्राउजर में आपको डिजिटल इंडिया सीएसपी लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा। तो डिजिटल इंडिया सीएसपी सर्च पर क्लिक करने के बाद जो है डिजिटल इंडिया csp.in लिखकर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो डिजिटल इंडिया का जो है सीएसपी प्रोवाइडर जो एजेंसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और इस वेबसाइट पर आपको जाकर जो है ऑनलाइन रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो ऑनलाइन रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए सीएसपी सेंटर के लिए, और इसके यहाँ पर आप जो है एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या है सीएसपी सेंटर खोलने के लिए, और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके में आपको जो है जो भी अपने नाम से आवेदन करना चाहता है वहाँ का आवेदक का पूरा नाम यहाँ लिखना होगा, और पिता का नाम लिखना होगा, और आधार नंबर लिखना होगा आपको, ईमेल आईडी लिखनी होगी, और मोबाइल नंबर वही लिखना होगा जो आधार से लिंक्ड हो। तो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आधार आपका वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपके जो मोबाइल पर ओटीपी आएगा, और इसके बाद जो है आपके प्रमाणिकता पहचान प्रमाणिकता जो है सत्यापित हो जाएगी, और इसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी अंतिम आपकी परीक्षा पास किए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको जो है सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो आप जनरल में आते हैं, एससी में, एसटी में, या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं, तो इसमें से आपको जनरल अपनी जाति की श्रेणी सेलेक्ट करनी होगी, और यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना होगा मेल फीमेल में से, और जॉब में है या नहीं ये सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो है जॉब में नहीं है, यदि सेलेक्ट करेंगे तभी सीएसपी सेंटर का जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पे मंथली इनकम आपको लिखनी होगी कि कितनी है आपके परिवार की वार्षिक मंथली इनकम, और मंथली इनकम लिखने के बाद जो है आउटलेट का जो है प्रॉपर्टी जो आप आउटलेट खोल रहे हैं वो लीज पर है या फिर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या पार्टनरशिप में है, उसका यहाँ पर आपको टाइप लिखना होगा। और कैश डिपॉजिट करना होता है इसमें पहले, तो डिमांड ड्राफ्ट से जो है आपको कैश डिपॉजिट यहाँ पर रिसिप्ट नंबर आपको लिखना होगा, जो भी आपने अगर कैश डिपॉजिट किया है उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखेंगे। और कई बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो है ये कैश डिपॉजिट स्वीकार करते हैं। और इसके बाद आपको अपना विलेज लिखना होगा, किस गांव में रहते हैं, पंचायत कौन सा है, और यहाँ पर जो है डाक आपका कौन सा आता है, पोस्टल पोस्ट ऑफिस आपकी कौन सी है वो लिखना होगा, और यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा और किस राज्य में है वो राज्य सेलेक्ट करना होगा। और सीएसपी सेंटर खोलने के लिए जो आप जिस जिले में रहते हैं, जहाँ जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसी से क्षेत्र में सीएसपी सेंटर खोलने के लिए चुनाव करना होगा। और यहाँ पर जो है पिन कोड लिखना होगा आपको, और किस बैंक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं सीएसपी सेंटर, सीएसपी आप किस बैंक का लेना चाहते हैं,
तो नेशनलाइज बैंक या जिस भी बैंक लेना चाहते हैं तो यहाँ नाम लिखेंगे, या प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उसका यहाँ नाम लिखेंगे। और ये कैप्चा कोड लिखने के बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जो है आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जो आपके 20 से 25 दिन के अंदर जो है आपके फोन नंबर पर, ईमेल आईडी पर मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा पात्रता जांच करने के बाद कि आपका जो है सीएसपी के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है। तो इसके बाद ये सीएसपी प्रोवाइडर जो है आपको बैंक के सीएसपी आउटलेट के सेटअप करने में, खोलने से संबंधित मदद प्रदान की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक तो पहुंच सके। और इस प्रकार के जो है सीएसपी सेंटर से खोलने से की विस्तृत जानकारी के लिए जो है आप हमारे पोस्ट सीएसपी सीखे योजना पर जो है वेबसाइट पर देख सकते हैं। सीएसपी सेंटर कैसे खोले उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से आप जो है क्लिक करके और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट पर, बैंकिंग सेवा की किस प्रोडक्ट पर कितने कमीशन है, तो वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।